अभी जब सब चीज खत्म ही हो गई है तो दोस्ती भी कहाँ ही बची है। ध्यान रखना बाय, अभी ये फोन भी अरे स्विच ऑफ अरे होने तुम वाला मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे से नहीं, शराब मैं बात कर सकती हूँ नहीं, प्लीज। तुम बात करो, तुम बात करो मेरे से। अरे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा फिर सब कुछ? तो अरे तुम पागल हो क्या, क्यों आए तुम? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में जो मैं करने वाली हूँ वो मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, और मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही सोच कर रखी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और मुझे वो ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर मैं ये चीज़ करूँ। बट फाइनली आज वो सिचुएशन आ गई है, और गाइज आज हम करने वाले हैं ये प्रैंक। तो बेसिकली आज मैं कर रही हूँ प्रैंक कॉल, और वो जो प्रैंक कॉल है वो है मेरे बेस्ट फ्रेंड अरसू पे। गाइज बेसिकली ये है कि मैं आज जब उसको मिली थी तो मैं उसको बोल रही थी, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली पता था कि मुझे ये प्रैंक करना है, तो मैं उसको तभी बोल रही थी कि मुझे मतलब अजीब फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोली कि मुझे कुछ टाइम मतलब कुछ ऐसा भी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद को एक रूम में बंद कर लूँ, मतलब अकेले रहूँ। तो उसने मुझे बहुत समझाया जब हम लोग मिले थे, तो पूरा रास्ता वो लिटरली मुझे समझा ही रहा था कि देख ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी रहेगा मैं हूँ, तो मुझसे शेयर कर सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तू मुझे बोल सकती है, ये वो। तो उसने मुझे बहुत समझाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उस पर प्रैंक कॉल किया जाए। तो मैंने अभी बज रहे हैं रात के 2, आप देख सकते हो रात के 2 बज रहे हैं। तो अभी मैं इतना लेट ये प्रैंक इसलिए कर रही हूँ गाइज क्योंकि ये चीज़ उसको रियल लगे, बट मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वो बिल्डिंग के नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि मोस्टली हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, या मैं कुछ चीज़ को लेकर रोती हूँ या कुछ भी होता है, तो वो मुझे वो डायरेक्टली बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और वो मुझे मतलब मिल के ही समझाता है, वो मुझे नॉर्मली कॉल या चैट पर नहीं समझाता, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि मैं तब नहीं समझ पाती हूँ। और ये फैक्ट है, जब तक कि आप सामने सामने किसी से भी ना मिलो, तो आप अगर प्रॉब्लम में हो तो जितना अच्छे से आप सामने एक्सप्लेन कर सकते हो उतना अच्छे से आप फ़ोन पर या चैट पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है दोस्तों में, ये होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दोस्त आपको फ़ोन पे ना बोले कि अरे नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो दोस्त आपके पास आए और आपसे सामने सामने बात करे, ताकि आप और अच्छे से वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाओ। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स में नहीं हो सकता, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट जो लोग आसपास रहते हैं मैं उनके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, वहाँ तो ऑप्शन नहीं है तो फ़ोन या चैट पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। इस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। सो मैं उसको कॉल करने जा रही हूँ। Your call has been forwarded to voicemail. The per Hello? हेलो। हेलो हाँ अरसु, आरती बोल रही हूँ। किसके नंबर से कॉल करे हुए? आदित्य। क्या हो गया? कुछ नहीं, तेरा फोन नहीं चल रहा है? मैंने मेरा फोन फेंक दी। क्यों? बस मेरे को फेंकना था। लेकिन क्यों, क्या हो गया? मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? बोली तो थी जब मिली थी, तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब फोन फेंक देने का? मुझे फोन ही नहीं यूज करना है। अरे लेकिन क्यों नहीं यूज करने गए? बस मुझे इस दुनिया से दूर जाना है। मुझे इस दुनिया से दूर जाना है। तुम्हारी हट गई है क्या? क्यों? दुनिया से दूर कहाँ जाओगे? मैं तुमसे आखिरी बार फोन पर बात करने चाहती थी, तो मैं तुमको फोन लगा दी। आखिरी बार क्यों? बस इसके बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और क्यों, मौन व्रत कर रहे हो क्या? ना मैं किसी को मिल पाऊंगी। क्यों, संन्यास पे जा रहे हो क्या? नहीं पता। अरे क्या हुआ बाबा, बोलो तुम तभी भी मैं पूछा था तो बोले बोले कि बस नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, तो मेरे को ऐसा लगा शायद कुछ होगा मसला।
क्या मसला है? नहीं अच्छा लग रहा है, अरे लेकिन क्या नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। अरे हाँ बाबा, लेकिन कुछ तो रहेगा ना दिमाग के अंदर, कुछ तो सोचोगे तुम कि ये चीज अच्छी लग रही है, वो चीज अच्छी लग रही है, लाइफ के बारे में, करियर के बारे में। सब अरे कभी कभी डिमोटिवेट होता है इंसान, लेकिन मेरे इस पास कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब। मेरे पास अरे कोई नहीं है। अरे है ना, बहुत बहुत लोग है, गिनाऊं क्या? मत गिनाओ, देख पापा है, मम्मी वो है, सब तो है। तेरी बहन है, तेरे भाई लोग हैं, हम लोग दोस्त लोग बस हैं। मुझे सिर्फ ये बोलना था तुमको, मैं आखिरी बार तुमसे बात करने के लिए फोन करी, जो भी था दोस्ती वोस्ती सब अपनी जगह पे, सब खत्म। अभी बस क्या खत्म अपना हो गया? अपना ध्यान रखना। अरे क्या तुम पागल आगल हो गए क्या? दोस्ती वोस्ती खत्म, बिरयानी समझ के रखे हो क्या? बकरा करा समझ के रखे हो क्या? बकरा काटो, बिरयानी बना लो, खा लो, ये सब क्या है यार? लेकिन ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि मसला हुआ क्या है तुमको? कुछ नहीं हुआ है, क्या बस मसला है? कुछ नहीं तबीयत हुआ। खराब है, कुछ सोच रहे हो, किसी चीज का डिप्रेशन है, किसी चीज मतलब कहीं स्टक्ट हो, या तुम्हारा मतलब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करियर में, और अब मैं थक गई हूँ अरे लाइफ माशाल्लाह से। इतना अच्छा तो कर रहे हो तुम, थक गई हो लाइफ में, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। तुमको देख के मालूम नहीं कितने लोग इंस्पायर होते हो, सब कितने लोग तो छोड़ो, तुमको देख के तो मैं इंस्पायर होता हूँ कि नहीं, हाँ भाई इतनी मेहनत कर दी है, ये वो ऐसा वैसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नहीं तुम मैं बस इतना चले बोल रहा जाओगे हूँ, छोड़ के। अरे नहीं मुझे ये सब चीज़ से दूर जाना है, बस हो गया। अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे से हो गया, मैं जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली हूँ, अब मेरे को मेरे से नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ना, लेकिन छोड़ो मुझे कुछ बोलना नहीं इसके आगे, बस मुझे नहीं तुमको नहीं यह नहीं नहीं बोलना सुनो सुनो चाहती। सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया है तुमको एकदम अचानक, जो तुमको ऐसा हो रहा है किस चीज अचानक का? नहीं करियर हुआ, करियर करियर में क्या टेंशन है तुमको, ये बताओ तुम पहला। नहीं क्या मुझे बहुत डिमोटिवेट हो रहा है, और सब लोग बोल और सब डिमोटिवेटेड हो लोग रहा मुझे है? बोलते रहते हैं कि तू लड़का ही है, तू लड़का ही है, तो मेरे को ये सब है पसंद नहीं है। अबे वो तो हम लोग छोड़, वो तो मस्ती मस्ती में बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, मैं सबको बोल दूंगा कि भाई मत बोल इसको, इसको डिमोटिवेटेड फील हो रहा नहीं है, क्या तो मतलब, जो प्लीज चीज़ ऐसा। बोल बोल के करनी पड़े क्या मतलब है। अरे वो तो देखो हम लोग सब अपना मानते हैं, इसके लिए बोलते छोड़ो हैं, मैं लास्ट तुमको बस छोड़ो बोलना वेड़ो ही मत नहीं, करो खत्म करो, ज्यादा बात करेंगे उससे तुम और तुम्हारा भी कट। फोन सुनो 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 सुनो, तुम्हारा फोन क्यों फेंके, पहली बात तो ये बताओ। छोड़ो यार प्लीज छोड़ने की अरसलान, बात नहीं है अरसलान, मतलब क्या हो गया, क्या मैंने कुछ कर दिया, मेरी बात बुरी लग गई, मेरी हरकत बुरी लग गई, क्या हो क्यों गया ऐसा ऐसा? तुमको लग रहा है अरसलान? मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैं भी, मेरी हरकत अगर नहीं शायद तुम्हारी कुछ को ना कुछ, क्यों लेकिन कोई मैंने बात कुछ बुरी तो लगेगी नहीं। अरसलान, तुमने कुछ किया ही नहीं हो। क्या क्या हो गया बताओ, क्या किया मैंने बताओ? कुछ नहीं, अरे तुम अरसु अरसु बोलते, तुम अरसलान बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी छोटी छोटी चीज मैं नोटिस करता हूँ, तुम्हारा कब हाव भाव बदलता है। अभी जब सब चीज खत्म ही हो गई है तो दोस्ती भी कहाँ ही बची है। ऐसा बात नहीं है, छोड़ो दोस्ती नहीं चलो बाय, खत्म। मैं सिर्फ तुमको बताने के मेरे रुको को, रुको रुको, नहीं, फोन, अरे मेरी बाय, बात अपना तो सुनो ध्यान बाबा। रखना। और अगर किसी ने भी अच्छा तुमको पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, वैसे तो तुमको भी नहीं पता रहेगा मैं कहाँ पर हूँ, मैं सब छोड़ छाड़ अरे के जा रही हूँ। लेकिन रुको, मैं नीचे आया हूँ, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। कोई अभी जरूरत नहीं है, मत ये सब करो, रखो तुम्हारा बाय। फोन कहाँ फेंके वो बताओ, मैं तुम्हारा फोन कलेक्ट करता हूँ, तुम्हारा फोन वो कलेक्ट तो करने के कचरे के बाद देखता डब्बे में है, हूँ वो तो कचरे कौन सब सा कचरे के चूर, डब्बे में मेरे घर है। के कचरे के डब्बे में पूरा चूर चूर हो गया है हाँ तो वो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ, कोई तुम्हारा जरूरत फोन नहीं लेता है, हूँ, तुम्हारा चलो फोन बाय, बनवाते ध्यान हैं अपुन, रखना और अपना। ब्लॉग लेते हैं। बाय बाय मत करो, सुनो 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 सुनो, फोन मत रखो, फोन मत रखो, नहीं रखो बाय, फोन, ध्यान रखना नहीं, अपना। फोन मत रखो, फोन मत रखो, फोन मत रखो। अरे अरे सुनो मेरी बात, काहे के लिए फोन रख रहे हो? हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, फोन काहे के लिए रख रहे हो तुम, तो बस मेरी अभी बात सुनो बात बहुत हो अच्छी गई ना तरीके से। मेरी, तुमने जो बोलना था मुझे बोल दिया मैंने, बाय। बोल दिया, अब मैंने नहीं बोला हूँ, बोलो मेरी जल्दी बात बोलो, मेरे पास सुनो, वक्त बहुत कम है, क्यों कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे जल्दी निकलना वक्त बहुत। पड़ेगा, बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ, नहीं अच्छा चलो बता मत सकते। बताओ, लेकिन मेरी बात सुन लो बहुत अच्छी तरीके से। देखो ऐसा टाइम आता है लाइफ में, मेरे भी मेरी मेरी लाइफ में भी आया था ऐसा टाइम, लेकिन उस टाइम पे तुम थे साथ में,
ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा टाइम आया और तुम फिर डायरेक्ट अब से किसी से मिलना जुलना नहीं करोगे, ये भाई वो। चलो ठीक है, तुम मत हिम्मत मिलो। वाले हो, मैं हिम्मत वाली नहीं हूँ। नहीं कौन, अरे वाह, मतलब अरे जरूरी नहीं है ना आरती, हिम्मत वाले की बात क्या ही नहीं है, जरूरी नहीं है ना ये सब। अभी देखो तुम ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो, सिचुएशन में है छोड़ो, मेरे को तुम्हारा सब बात कुछ, नहीं कुछ तुम्हारे करनी है दिमाग शादी, ये सब बात करके कुछ होने नहीं वाला है। फिनिश दिस, फिनिश अच्छा दिस, खत्म करो। अरे मेरे को खत्म नहीं क्यों सुनना करूं? है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। अभी ये फोन भी अरे स्विच ऑफ अरे होने तुम वाला मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ की बात मत करो, रुको मैं तुम्हारे घर के लिए निकल गया हूँ वैसे तो। कोई जरूरत नहीं है, रात के नहीं 2 बज जरूरत रहे हैं, है, तुमको समझ में आ रहा चलेगा है? मेरे को। रुको रुको बोल रहा हूँ, रुको, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को ही फोन लगाता हूँ, सागर को या मैंने आदित्य को। सबके फोन लेकर अगर स्विच ऑफ कर दी हूँ, तुम कोशिश मत करो ये सब चीज तुम्हारे की। डैडी का भी नंबर है, मैं पास तुम्हारी मम्मी का भी मैंने नंबर है मेरे सबका पास, फोन स्विच ऑफ कर दी हूँ। तो कोई मसला नहीं है मेरे को। चलो बाय, ध्यान अरे रखना। भाई की बात, अरे भाई की बात ही नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। मैं घर पर आता हूँ, तुम्हारे वॉचमैन को बोलता हूँ इंटरकॉम पे फोन करने के लिए, इंटरकॉम पे फोन करके इंटरकॉम का फोन हटा के रख दूंगी मैं। क्यों तो तुम, अच्छा तुम किधर जा रहे हो ना, तो तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे रात भर रहता हूँ। क्यों ये सब कर रहे हो, क्या फालतू गिरी है ये अरे सब? तुम अरे फालतू की नहीं, क्या है, मत तुम बोल करो, रहे हो मैंने तुम बोल जा रहे दी हो, हूं। फोन वोन फेंक दिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। देखो पहली बात तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, एक बड़ा ग्लास पानी पानी लो, पानी पियो, थोड़ा गुस्सा शांत करो। तुम्हारा क्या हो गया, फिर इत्मीनान से बात करते हैं अब उनकी क्या हुआ है। अरे यार, मेरा दिमाग मत खराब। चलो बाय, रख रही हूँ मैं। अब नहीं देखो होगा नहीं मेरे से, नहीं खराब, मैं बात कर सकती हूँ, नहीं प्लीज। तुम बात करो, तुम बात करो मेरे से। अरे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा फिर सब कुछ तो। अरे तुम ऐसी बीच में कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे ड्रीम्स नहीं है क्या, जो तुमने बताया थे मेरे को कि मेरे को मेरे ड्रीम्स पूरे करने का, मेरी फैमिली को प्राउड करने का, कभी ये कभार किस्मत साथ नहीं देती है। कौन बोला किस्मत किस्मत। अरे यार तुम तो सच में यार आरती, ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो। किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत साथ नहीं देगी मालूम है, लेकिन वो किस्मत को साथ में बने रखने के लिए काम करना पड़ता है। तुम थक गए हो ना छोड़ो, लाइफ में, चलो चलो क्या बाय, है तुम मेरे को बताओ नहीं मेरे को। सुनना है ये हाँ सब फालतू का। मेरे को मत बोलो तुम अभी ये सब, मत, मेरे को सुनना नहीं है। मैं तुमको एज अ दोस्त तुम तुमको फोन मत बोलना चाह रखो, रही थी। नहीं, तुम मेरे को फोन मत क्यों रखो, फोन तुम मत रख, क्या तो फोन पूरी मत रात रखो, चालू मुझसे रखूँ बात क्या करो। फोन? क्या बात कर रही हूँ, मैं क्रॉस हो गया ऊपर ये दादर का ब्रिज। आवाज तो आ अरे रही है? मैं हेलमेट पहना हूँ, इसके लिए आवाज नहीं आ रही है। क्या मसला है, तुम बताओ अब मेरे से, चलो मेरे से रखो शेयर रखो, करो, मैं रख मेरे से रही हूँ। शेयर नहीं करोगे तो। अच्छा शेयर करो, शेयर करने के बाद बहुत सारी चीज हल्की हो जाती है। तो गाइज अभी मैंने उसका फोन कट कर दियो, देखते ये कॉल क्या है। हेलो, क्यों क्यों क्या है? मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट लगता, तुम्हारे भाई को मैं नहीं, फोन करता हूँ, एक काम करता हूँ। सबका फोन स्विच ऑफ कर चुकी हूँ हाँ मैं, तो आई मैं इंटरकॉम ऑलरेडी पे, टोल्ड देखो मेरे यू। को एकदम अजीब लग रहा है कि मैं डायरेक्ट रात में इतने बजे आऊंगा और तुमको कॉल करूंगा, या तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा, या वॉचमैन को बोलूंगा ऊपर से बुलाने के लिए, तो बहुत अजीब लगेगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, देखो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा इतनी रात में मैं ऐसा बोल कर आऊंगा, तो इससे अरे तो अच्छा है कि क्यों तुम आ रहे तुम्हारे हो भाई को खाली फोन फुकट? तुम्हारा तुम्हारे भाई को मैं फोन करता हूँ, अरे तुम्हारे भाई सबका से मैं फोन बात लेके करता मैंने हूँ। स्विच ऑफ कर दी हूँ यार। रुको मैं तुम्हारे भाई को ही फोन करता हूँ, रुक अरे जाओ, तुम फोन नहीं लेना, तुम आ जाना, लगेगा फोन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं फोन करता हूँ, अभी सागर को फोन करता हूँ या तो अजीता को फोन करता हूँ, रुक जाओ। अरे अजीब है, सच में सबका फोन लेकर स्विच ऑफ कर दी हूँ, तो ये वापस मुझे कॉल करना ही पड़ेगा इसको। वेट करते हैं बेचारा। रे हेलो, हेलो, हाँ फोन स्विच ऑफ आ रहा है वैसे तो। मैंने हेलो तुमको क्या फ्रेंच में बोली थी? बोलो, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हाँ। मैं आ गया हूँ वैसे तो तुम्हारे घर के नीचे, तुम आ जाओ। तुमको अरे क्यों, है कि तुमको जाने का है ना, तो तुम लास्ट बार बात कर रहे हो ना, तो एक लास्ट बार मिल के भी चले जाओ, ठीक है। अरे क्यों नहीं, मेरे को नहीं, मैं, अरे अरसोई पागल, तुम क्यों आए नीचे? आने का था मेरे को इसके लिए, तुमने बोले कहीं था कि मेरे को क्या? डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, माने ना मेरे को समझ में आता है डिमोटिवेशन, अरे लेकिन लेकिन समझ नीचे आगे क्या फोन मतलब? करके रख दोगे यार, तुम ब्लॉग नहीं बनाओगे, चलो ब्लॉग को तो छोड़ दो, तुम फोन वोन देख दोगे, अपना नुकसान करोगे, तुमने इतना मेहनत से तुमने सब कुछ खरीदे हो, लैपटॉप खरीदे हो माशाल्लाह, टच बोर्ड सब कुछ, और फिर तुम वो सारी चीज, तुम वो जाया हो जाएगा वो सारी चीज।
वो सारी चीज एकदम अरे हट जाएगी मस्ती पहले कर बैच रही की थी मतलब। यार, प्रैंक है प्रैंक, इट्स अ प्रैंक। तुम सच में नीचे आ गए? अरे तुम, हाँ मैं नीचे आ गया घर के। तुम पागल हो क्या? क्या बात कर रहे हो ऐसा? अरे माँ मस्ती कर रही थी, तुम काहे को आए? अरे तुम ये सब करोगे तो पागल डर लगेगा नहीं क्या? तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन तोड़ दिया। फोन कहाँ है तुम्हारा? घर पे ही है, स्विच ऑफ है। दिमाग एकदम खराब करते हैं। तुम्हारे पास अक्कल नाम की चीज नहीं है मालूम तुमको। मेरे को कितने टाइम से मैं डर गया था मालूम। कितना मैं कैसा कैसा आया हो क्या मालूम। और ये टाइम पर अगर मैं एकदम रफली भगा कर आता तो सॉरी। एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे तो क्यों आया तुमको सॉरी? अरे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलेगी कि वो सबको डिमोटिवेटेड फील हो रही है, वो छोड़ छाड़ कर जा रही है। तो मैं क्या आस्ता आस्ता बैठ के रखूंगा? मेरे बुरे वक्त में और तुम्हारे बुरे वक्त में मैं नहीं रहूंगा, हाथ पे हाथ बैठ के रहूंगा? तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा ना। रुक ठीक है, चलो रुको, आ रही हूँ नीचे मिलने। आओ सीधा दिमाग, आउट ऑफ योर सेंसेस बात कर रहे हो तुम। नॉन सेंस। तो गाइज अरसू ने मुझे स्नैप भेजा और वो सच में आ गए हैं गाइज बिल्डिंग के नीचे। तो मैंने वॉचमैन को फ़ोन किया और उनको बोला कि जो एक लिफ्ट चालू है, मतलब लिफ्ट बंद थी, तो मैंने बोली जो एक लिफ्ट चालू है प्लीज़ उसको बंद मत करना 2 मिनट के लिए, मैं बस नीचे उतर रही। तो क्योंकि वो इतना आया है तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ भी करके नीचे उतरते हैं। तो अभी चलो चलते हैं फटफट नीचे, देखते हैं। देखो तो हंसी है, पागल है वो। सो गाइज अरे तुम पागल हो क्या? क्यों आए तुम? एड़े गाइस देखो पूरा सुनसान, नो वन इज देयर। क्यों आए? आर यू क्रेजी? कैसा एड़ा बनाई? क्यों भागा है? पागल हो क्या तुम? नॉन सेंस। सो गाइस बेचारा अरसू रात को आ गया। मालूम नहीं, मैं बोला जो मेरे को समझाती है वो खुद ऐसा कर रही है बिना समझदारी वाली बात। अरे यार तुमको लगता है मैं खुद संदीप महेश्वरी हूँ, मैं ऐसा करूंगी क्या? नॉनसेंस। क्या तुम इतना मुझे नहीं जानते? हाँ जब मैं थोड़ी बहुत, मतलब मेरे साथ कुछ हो जाता है थोड़ी बहुत, मैं अपसेट रही तो मैं सिर्फ बातें करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या यार सोए नहीं थे तुम? भाई सोने ही जा रहा था मैं। ओह टाइम टेबल नाम की चीज है कि नहीं है? अरे मैं फोन देख रहा था ना यार, ये कुछ गिरा, मैं ही फेंकी, मैं ही, पैसा नहीं है, पेपर था। फोन देख रहा था कि फोन कैसे सही करो, वीडियो नहीं चल रही, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार हाँ, मैंने उसमें ही तुमको सदमा दे दी। ओ भाई गाइस जो बंदा आया है, ओहो देखो ध्यान से देखो उसको, ध्यान से देखो। पागल तो क्या, मेरे को लगा तुम बोले चल की था, मैं बोली अभी कहाँ चलू इतनी लेट। अरे मैंने वॉचमैन को फोन करी, मैंने बोली एक लिफ्ट चालू करो, चालू रखना, मैं नीचे उतर रही हूँ, 5 मिनट का काम है मेरे, बस उतर रही हूँ, 2 मिनट में वापस अंकल ऊपर जाना, लिफ्ट मत बंद करना। मैं तुमको, हाँ इसके लिए मेरा प्लान था, मैं सुबह से सोची थी ये करने का था, सुबह से मैं मास्टर माइंड थी। तो मेरी तबीयत खराब है लेकिन ये अलग है। ओके पागल। तो गाइस चलो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। एक प्रैंक ने अरसू को सीधा मेरे घर के नीचे बुला दिया। तो ये टाइम ही कितना लगा, 5 मिनट में वो तो मैं बात करते करते आ रहा था और आगे आता था उड़ते उड़ते। क्या तुम भी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सॉरी अरसू, सॉरी वंस अगेन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। बदला ए चुप है।